हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप लोगों को बहुत ही वेलकम मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम है सज्जाद। मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ यूके के हवाले से वीडियोस, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम प्रोवाइड करूँ जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ास के हवाले से कोई भी चेंजेस की जाती हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऑन टाइम प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों से माजरत है कि काफ़ी अरसा से मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था और कुछ ऐसी कोई ख़ास जो अपडेट भी नहीं आ रही थी, तो मैं कोई उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो कि फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ सिर्फ व्यूज़ के चक्करों में। मेरी कोशिश होती है कि जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जो कुछ दिनों से जब जारी बात है, आप लोगों को पता हो कि अभी इलेक्शन हुए हैं तो अभी लेबर पार्टी जो है गवर्नमेंट में आ गई है, तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की हैं, कुछ जो नई चेंजेस आई हैं, जो कुछ उन्होंने प्रपोजल भेजे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ऑन टाइम इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा, उसमें जो अभी कुछ काफ़ी लोगों की जो है स्पाउस वीज़ास के हवाले से क्वेरीज हैं कि उसका क्या अपडेट है, तो वो आप लोगों से इस वीडियो बनाने का मकसद है कि शेयर की जाए इन्फॉर्मेशन। तो नई जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो लेबर पार्टी ने कंसेशंस की है स्पाउस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी जो यहाँ पर रह रहे थे। उन लोगों ने, जारी बात है कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते हुए थे दूसरी कंट्रीज़ में, तो क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने इतनी ज़्यादा जो है ना सैलरी बढ़ा दी थी जो कि 38,700 समथिंग के करीब थी, जो कि हर बंदा यूके में रहकर जो है वो इतनी सैलरी हासिल नहीं करता। कुछ लोगों की है, ये नहीं कि सब, लेकिन नॉर्मल जो है अगर आप एवरेज निकाले तो किसी की भी इतनी सैलरी नहीं है। तो फिर जब लेबर पार्टी जो इक्तदार में आई तो उन लोगों ने फिर ये प्रपोज़ल दिए कि ये तो लोगों के साथ जो बिल्कुल भी जो है ना जुल्म है, और कुछ उन लोगों ने इस इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, मैं तो आपको इन शॉर्ट बातें बता रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपस में जो है डिस्कशन की, जो इनके प्रोज एंड कॉन्स वो डिस्कस किए, तो फिर उन लोगों ने अभी सुनने में आया है कि जो है इन लोगों ने ये प्रपोज़ल भेजे हैं कि सैलरी जो कि पुरानी थी 18,600 के करीब, तो उसी को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अभी तक जो सुनने में ये आ रहा है कि वो प्रपोज़ल भेज दिया गया है, देखें, अभी उम्मीद है कि पॉजिटिव ही कोई रिस्पांस होगा। तो इसमें यह है कि गुड न्यूज़ है कि जो लोग अपने स्पाउस को लेके आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। अच्छी न्यूज़ इस वजह से है क्योंकि जारी बात है उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि देखें, बहुत सारे लोग, किसी का हस्बैंड यहाँ पर यूके में है और उसकी वाइफ और बच्चे वो पीछे कंट्रीज़ में हैं, तो वो यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, या को बहुत सारे मसले मसाइल हैं, या किसी की बीवी इधर है, हस्बैंड वहाँ पर है, तो वो इतने ना तो सैलरी, अब कोई इतनी सैलरी तो देगा नहीं, क्योंकि यूके में तो सबको पता है कि एवरेज सैलरी क्या है, तो इस तरह से तो वो फिर अपनी फैमिली को बुला ही नहीं सकता ना। तो इसके ऊपर वो फिर उन्होंने नज़रसानी की है। उसके अलावा जो है अभी कुछ जो और भी चेंजेस आ रही हैं, कुछ सुनने में आ रहा है कि यूके गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि ये लोग जो हैं हेल्थ केयर के जो वीज़ाज हैं ना, उसको उसके हवाले से जो नई अपडेट है कि ये हेल्थ केयर के जो लोग हैं उनको यूके में ज़्यादा कोशिश करेंगे ट्रेंड करने की, ताकि इन लोगों को बाहर से बुलाना कम पड़े। इसी तरह से नर्सिंग में भी ये कोशिश करेंगे, और स्पेशली जो ये जो बिल्डर्स हजरात हैं जो अक्सर हमारे एशिया, इंडिया, पाकिस्तान से आते हैं, तो इन्होंने ये भी प्रोग्राम स्टार्ट करने की का कहा है कि ये लोग बिल्डर्स को भी यहीं पे ट्रेंड करेंगे ताकि बाहर से लोग इनको कम बुलाना पड़े।
उसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि टीचिंग के हवाले से जो इन लोगों ने कोई काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट करने के, जो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि ये टीचिंग के हवाले से लोगों को ट्रेंड करेंगे, तो आप लोग नज़र रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि टीचिंग में काफ़ी लोग जो इस शोभा से वाबस्ता हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इन लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए इन लोगों ने यही इसी बात पर इत्तेफाक किया है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे वो अपने स्पाउस को लेकर नहीं आ सकते। उनके लिए ये अभी उन लोगों ने इन्होंने इत्तेफाक किया है कि वो अपने स्पाउस को नहीं लेके आ सकते, माँ सिवाय सिर्फ एक जो रिसर्च बेस प्रोग्राम पर अगर आप आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं या कोई मास्टर करने आ रहे हैं, लेकिन वो अगर रिसर्च बेस है तो उसमें आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, उसके अलावा जो है वो आप अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते। इसके ऊपर इन्होंने इत्तेफाक किया है। तो बाकी जो है सैलरीज का, या जो ये इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर गौर किया है कि इसको कम करने की कोशिश करें, और जो अभी एनएचएस की फ़ीस जो इन्होंने बढ़ाई थी काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि उसको भी कम किया जाए। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ाज़ के हवाले से, स्किल्स वर्कर के वीज़ाज़ के हवाले से, या किसी और भी कैटेगरी जो आपके माइंड में है, तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, आपका ये चैनल है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।